नमस्कार दोस्तों, ये जो दोनों स्पीकर है कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है मैं आपको दिखाऊंगा, और एक इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्पीकर है दोनों सेम तरह के दिखता है। इसके अंदर लिखा है बूस्ट करके लिखा है, इसमें लिखा है वोल्टेज, दोनों का अंदर क्या है आप इसको मैं चला रहा हूँ कैसे होगा देखिए। इसका साउंड सुन लीजिए, इसका साउंड सुनिए, इसका साउंड ज्यादा लग रहा है आपको और इसका साउंड कम लग रहा है, और इसका जो बेस सेट है दूसरे साइड पे दबाओगे ये उठा आएगा, इसका स्पीकर भी उठा आएगा, और इसमें भी सेम है, इसको दबाओगे उस ये जो साइड का बेस सेट भी उठा आएगा, और इसका जो पट्टी है ना और जो स्विच है ना बहुत उभरा हुआ है, इसका मतलब है अच्छा ओरिजिनल क्वालिटी का लगता है, और इसका स्ट्रैप बहुत मोटी है एकदम हाई क्वालिटी का तरह लगता है, और ये बहुत भारी भी है, और इसका स्ट्रैप जो है ना ये बहुत पतली टाइप का है, इसका जो लस्सी है बहुत ढीला ढला है टाइप का है। ये जो WOS करके लिखा है ना इसको मत बाय करना, और जो वोल्टेज है उसको बाय करोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा, अच्छे से चलेगा ये पूरे इसके। मैं इसको दोनों को खोल के देखा हुआ हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स लगाए हुआ है और इसमें बहुत कम लगाए हुआ है, इसमें 8 पिन का IC लगा हुआ है, इसमें 10 पिन का IC लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि बेस तो अच्छा होता है और ट्रिबल भी बहुत अच्छा होता है, इसमें क्या होता है कुछ नहीं होता, थोड़ा बेस टाइप का आवाज आता है और साउंड ज़्यादा क्लियर नहीं होता इसमें, और इसका बिल्ड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है, हो सके तो इसको ले लीजिए बहुत अच्छा होगा। और इसको सुनो और जो मैं इसको ये देखिए ये जो AUX मोड दुबा रहा हूँ इसमें आवाज आ रहा है, और इसमें कुछ आवाज नहीं आ रहा है। इसमें नॉइज आ रहा है और इसमें आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें झरझर करने का आवाज और इसमें नॉइज आ रहा है, कोई बात नहीं लगाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। और ये होना ये चीप क्वालिटी का है, इसका वजन भी थोड़ा कम है और इसका वजन बहुत भारी है, थोड़ा साउंड में थोड़ा फर्क है इसमें।